22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद राम मंदिर को मंगलवार को जनता के लिए खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से पहले रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से भक्त अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन को पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि वे सोमवार को आए थे, उन्हें भारी भीड़ की चिंता नहीं है, वे सिर्फ रामलला की झलक देखना चाहते हैं। बता दें कि भक्त सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि क्या है राम मंदिर में आरती का समय और इसमें शामिल होने के लिए आप पास कैसे ले सकते हैं। सुबह की आरती का वक्त 6:30 है और शाम की आरती 7:30 बजे होगी। आरती में शामिल होने के लिए निःशुल्क पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर बताया गया है कि भक्तजन अपना कोई भी वैध सरकारी आईडी प्रमाण पत्र दिखा के श्री राम जन्मभूमि स्थित कैंप कार्यालय से ऑफलाइन पास ले सकते हैं। वेबसाइट गूगल पर उपलब्ध है। फिलहाल उन श्रद्धालुओं को सुन लेते हैं जो लाइन में लगकर रामलला की झलक देखने के लिए आए हैं। हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हो। आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं क्या? जी आज तो कल ही दर्शन करने के लिए आए थे पर कल रोक दिया था, आज तो करके ही जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे हम कल ही आ चुके थे पर थोड़ा बॉर्डर पे ही रुक गए थे। तो कैसा लग रहा है आज दर्शन करने? बस माहौल जय श्री राम, बजरंग बली की जय, हनुमान, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ कितनी यहाँ पे? भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत भीड़ है पर भीड़ की चाहे हमें कुछ फिक्र नहीं है, हमें बस रामलला का दर्शन करने आज पूरे परिवार के साथ है। जी पूरे परिवार के साथ। छोटी बच्ची भी आई है? हाँ, 1 साल की बच्ची है हमारी, उसी के चक्कर में हम यहाँ पे आए। बच्ची को भी राममय बना दिया, वो राम भक्ति है पहले से। राजा जय श्री राम।